गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गणेव लम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम् मड्ड 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 मन्निनाद वड्ड मर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि निलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् मरांतकम् पुरांतकम् भवांतकम् अकांतकम् गजांतकांधकांतकम् तमंतकांतकम् भजे तो इस शिव तांडव स्त्रोत के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की जो सुनना बेहद जरूरी है। नमस्कार, डिबेट एट एट देख रहे हैं आप, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज एक घंटे हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपदा ग्रस्त जो उत्तराखंड है, देवभूमि में जो दैवीय आपदा आई है, इसके किस तरीके के दोष हैं और इसका क्या असर जो हमें देखने को मिला है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वैदिक रहस्य क्या है, क्या कुदरत में कोई अनदेखी ताकत या अनोखी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। वैज्ञानिक भले इस तर्क को मानने से इनकार कर दें, लेकिन केदारनाथ धाम में जो त्रासदी हुई उसके बावजूद केदारनाथ मंदिर और शिवलिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, कौतूहल का विषय है ये। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल धर्म हमेशा तर्कों से ऊपर है, धर्म को तर्क के तराजू पर नहीं कसा जा सकता। आज डिबेट एट एट में मुद्दा यही है कि शाश्वत है शिव। उत्तराखंड में महाविनाश के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर देवभूमि में शिव भक्तों पर आपदा कैसे आई। वो शिव जो अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, जो आशुतोष माना कहा जाता है, यानी सनातन परंपरा की अगर बात करें, क्या शिव अपने भक्तों पर इस तरह की स्थिति देख सकते हैं? क्या इंसानों से ऐसे में कोई भूल हुई है, क्या वजह है, या फिर इस हादसे के पीछे कोई वैदिक रहस्य है? पहले रिपोर्ट देखते समझते हैं कि हालात वैज्ञानिक और धार्मिक पक्ष को अगर एक तराजू में रखा जाए तो देवभूमि के साथ आखिर हुआ क्या है। शिव भक्तों पर कैसे आई आपदा, क्या इंसानों से कोई भूल हो गई, देवभूमि को किसने किया पवित्र? उत्तराखंड की इस तबाही ने चांद को छूने वाले इंसानों की सारी ताकत को 5 मिनट में तबाह कर दिया। वेद पुराणों के जानकारों की माने तो देवभूमि में वेद सम्मत यात्रा नहीं हो रही है। हम आजकल पर्यटक बन गए हैं, जूता मोजा बियर शराब होटल, हम पर्यटक बन गए, हम टूरिस्ट बन गए। छुट्टी हो गई, हमने टिकट कराया, चलो इसी बहाने चलो केदारजी दर्शन कर लेते हैं, वो भी में आ गया, चलो वहां घूमते आए भी में आ गया, वो देव भूमि नहीं रह गया। देव भूमि देव कार्य के लिए है, उसको हमने कितने आसानी से टूरिज्म का सेंटर बना दिया। उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है और उपभोक्तावाद से एक एक मनुष्य संतुष्ट है, हमारी संस्कृति संतुष्ट है और उसमें सभी लिप्त हैं। उत्तराखंड में आई इस प्रलय के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। भगवान के बनाए प्राकृतिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई, लगातार प्रकृति और वेद की अवहेलना की जा रही है। देखिए, उसका असर तो हम तीनों को देंगे, एक रुपए में 25 पैसे सबको देंगे, 25 पैसा देंगे पर्यावरण को दूषित करने का दोष, वो दानव है, 25 पैसा देंगे कि
तीर्थयात्री को पर्यटक जैसे घूम रहा, और 25 पैसा देंगे कि वहां पे वेदोक्त व्यवस्था नहीं। शिव की वैदिक पूजा अर्चना की जगह आधुनिकता के आडंबर का बोलबाला होता जा रहा है। वेद पुराणों के जानकार ज्योतिर्लिंगों में बैठ बना बैठे नए पुजारियों से दुखी। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि इन तीर्थों में एक भी शुद्ध मंत्र बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे पास क्या है, काल, मंत्र, मूर्ति और मुहूर्त। मुहूर्त माने काल, मंत्र, मूर्ति और मुहूर्त। ये तीनों त्रिकोण जब नहीं बैठेगा ना तो दैविक प्रकोप होगा। विद्वान भी इस बात से चिंतित है कि आधुनिक पंडित शंकराचार्य की परंपरा को भी बरकरार नहीं रख पाए। केदारनाथ जी जब से अधिग्रहण हुआ है सरकार के द्वारा, जब से वहां पे भाई भतीजा बाद से पूजा हो रही है, वो आद्य शंकराचार्य की आत्मा रो रही होगी। अपवित्रता तो शुरू से है, 20 साल से है, हमने सर्वे किया है। भगवान के दर पर तीन तरह के लोग जाते हैं, एक वो जो दुखी होते हैं, दूसरा वो जो जिज्ञासु होते हैं, और तीसरा वो जो लोभी होते हैं। कहीं न कहीं लोभ में पड़कर चारों धाम की वेद सम्मत यात्रा को ठुकराया जा रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि देवभूमि में प्रलय की झलक देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तबाही और दुख की तस्वीर ऐसा पहली बार नहीं है जब केदारनाथ धाम में देखने को मिली है। 16 जून की रात भी एक तबाही दबे पांव धाम में आई, पूरे धाम को तबाह करके रख दिया। लेकिन मंदिर और मंदिर के अंदर विराजमान केदारनाथ शिवलिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यहां तक कि जिन श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर शरण ली थी, उनमें से कई श्रद्धालु आज सकुशल वापस लौटे। उत्तराखंड में आई त्रासदी, सैकड़ों लोगों की गई जान, बह गया केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में करीब 10 दिन पहले आई भयंकर तबाही का सबसे ज्यादा कहर अगर कहीं देखने को मिला है तो वो है केदारनाथ धाम और धाम तक पहुंचने वाला रास्ता। केदारनाथ धाम के पूरे रास्ते पर तबाही का भयानक मंजर है। न सड़क बची है, न घर बचे हैं, कहीं पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट कर अलग हो गया है, तो खुद भगवान भोलेनाथ के दर पर भी भयानक तबाही आई है। केदारनाथ धाम में न तो कोई धर्मशाला बचा है, न ही कोई घर बचे हैं। केदारनाथ में कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई। अब भी खड़ा है मंदिर, बच गए केदारनाथ, क्योंकि शाश्वत है शिव। पूरे केदारनाथ धाम में त्रासदी की इंतहा नजर आ रही है, लेकिन इस त्रासदी में एक सत्य जो शाश्वत रूप में खड़ा नजर आया वो है ये केदारनाथ मंदिर। इस भयानक तबाही में जहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं, वहीं केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके एक दीवार तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यहां तक कि मंदिर में विराजमान भगवान केदारनाथ को भी जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में मिट्टी ही मिट्टी भर गई है। जब भगवान ही अडिग हैं, तो भला उनकी सवारी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। नंदी की प्रतिमा को भी जरा सी खरोच तक नहीं आई है। चश्मदीदों के मुताबिक जिन भक्तों ने केदारनाथ मंदिर के अंदर शरण ली वही बच पाए। केदारनाथ मंदिर का बचना भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। केदारनाथ धाम में तबाही केदार डोम नाम की एक पर्वत चोटी पर बादल फटने की वजह से आई। केदार डोम नाम की ये चोटी केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर है। 16 जून की रात केदार डोम पर बादल फटा, जिसके बाद पानी के वेग के साथ बड़े बड़े चट्टान बहकर तेजी से नीचे आने लगे, जिसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर टूटा और टूटकर चोराबारी ताल में बहकर चला आया। चोराबारी ताल पहाड़ जैसे मलबे और पानी के वेग को सह नहीं पाया और वहां का पानी बहकर केदार धाम से होते हुए नीचे तक आने लगा।
चश्मदीदों के मुताबिक कई बड़े पत्थर केदारनाथ धाम के मंदिर के पीछे गिरने की वजह से हिमालयन सुनामी दो भागों में बट गई और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस पूरी त्रासदी में धर्मशास्त्रियों के मुताबिक शिव विवाद रहित हैं और कई बार तो बड़े प्रलय वो खुद में ही समाहित कर लेते हैं। क्षेत्र वहाँ बैठे हैं नाथ, वो नाथ जो है वो कैसे अनाथ करेंगे लोगों को? नाथ जो है अपनी नाम की महिमा क्या करेंगे लोगों को? वो करुणाभ्य है, वो करुणा के सागर है, संपूर्ण केदारखंड ज्योतिर्लिंग के रूप में है, वहां पर एकदम पूर्ण विश्वास करिए, वो सत्यम है शिवम है। हो सकता है कि महाप्रलय को उन्होंने लघु के सहस्रांश अंश में उन्होंने किया, हो सकता है कि जो लोग गए हैं वो शिव के पार्षद बन जाए, जो लोग गए वो न्याय वही करें, शिव के पार्षद बन जाए वो न्याय वही करें। केदारनाथ धाम में कई बार बड़ी आपदाएं आती रही हैं। 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भगवान केदारनाथ बर्फ में भी दबे रहे, लेकिन भगवान केदारनाथ आज भी सुरक्षित हैं। शिव अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान है। शास्त्रों और पुराणों में इस बात का जिक्र है कि सृष्टि का निर्माण पालन पोषण और विनाश सब शिव के ही सहारे पर हो रहा है। और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग होते हैं ये हमेशा स्वयंभू लिंग हुआ करते हैं, इनके स्थान का परिवर्तन मनुष्य के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये स्वयं जहां प्रकट होता है वहीं पर यह रहता है, विद्यमान रहता है, मनुष्य के अंतर्गत यह क्षमता ही नहीं है कि ज्योतिर्लिंगों के स्थानों को वह परिवर्तित कर दे और परिवर्धित कर दे। भगवान शिव सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। उत्तराखंड त्रासदी से भगवान भोले शंकर ने अपने भक्तों को संकेत दिया है कि वो ही स्वयंभू हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडी अस्तित्व का आधार भी हैं, क्योंकि शिव शाश्वत हैं। केदारनाथ धाम से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपदा आई और आने वाले समय में आपदा के जो बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्या 1882 वाले हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन धर्माचार्य भी सामने आए हैं। वो बताएंगे कि क्या वैदिक रहस्य है इस आपदा के पीछे, किस तरीके से भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग वहीं की वही रहा जो मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालु थे वो सलामत वापस लौटे, बाहर जो थे वो सब मारे गए, दैवी आपदा जो देवभूमि में हो रही है उसका क्या कारण है और सनातन परंपरा के जानकार इसे कैसे देख रहे हैं? हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप तक, जो अपनी राय और अपनी सलाह पहुंचाएंगे। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद है आचार्य अशोक द्विवेदी जी, वेद अध्यात्म ज्योतिष पीठ के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से चूंकि वैज्ञानिक तर्क है आपदा के पीछे, विज्ञान एक अलग राय रखता है, भौगोलिक परिस्थिति की बात करें और इसके साथ साथ पर्यावरण दृष्टिकोण की बात करें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से खास मेहमान जुड़े हैं विजय जोशी जी, हैं जीएसआई साइंटिस्ट, रॉक हिल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हम रुक करेंगे वाराणसी का, हमारे साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान कामेश्वर उपाध्याय हैं जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इन सब मेहमानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिव की जो शक्ति है वो देवभूमि को क्यों नहीं बचा पा रही है, कहां है शिव? शिव है तो भक्तों का अनर्थ हुआ क्यों है? वैदिक रहस्य क्या है? क्या देवभूमि की तस्वीर प्रारूप आने वाले समय में कुछ और भयावह रूप लेने वाला है, और अगर ऐसा रूप है तो सावधान किस तरीके से मानव को होना चाहिए, क्योंकि दोष तीन तरीके के हैं, दैविक है, भौतिक है और सामाजिक भी है। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्नाथ वट्ट मर्वय चकार चंड तांडव तनो पुनः शिव शिव।
वाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमट्टमन्निनाथ वट्ट मर्मये चकार चण्ड चाण्डवं तनो पुनः शिवः शिवम् केदारनाथ की हम बात कर रहे हैं। केदार का मतलब है क्षेत्र और नाथ, मतलब अगर केदार के जो नाथ हैं वो भक्तों को अनाथ कैसे कर सकते हैं, सवाल यही है। वो नाथ वहीं पर हैं लेकिन भक्तों को हानि हुई है। ये जो दैवीय आपदा आई है उसका वैज्ञानिक रहस्य तो लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का वैदिक रहस्य क्या है? किस तरीके के तीन तरीके के दोष हैं? कौन ऐसी कला है जिसकी हानि हुई है और जिस कारण से धाम की पवित्रता पर असर पड़ा है? कौन नाराज हो गया है? क्या वो भगवान शिव हैं जिनके तीन नेत्र हैं, और क्या तीसरा नेत्र खुल गया है? हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हम सबसे पहले आचार्य अशोक द्विवेदी जी के पास चलेंगे। अशोक द्विवेदी जी, उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं है इस तरीके की आपदा आई है, लेकिन आपदा का एक प्रचंड और भयावह रूप हमने देखा है। देवभूमि में दैवीय आपदा आई ऐसे क्यों और क्यों आ रही है, और क्या आने वाले समय में अगर हम किन बातों का ध्यान ना रखें तो इसका और रूप उग्र हो सकता है? जी, आपका प्रश्न समय अनुसार है, समय अनुकूल है, और ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ये डिबेट जो है, ये सभा है, ये दुख के कारण है, ये तकलीफ के कारण है। एक ऐसी हादसा हुई है जिस हादसा में हर व्यक्ति मर्माहत है। देश के नहीं, विश्व के कोने कोने के जो भी सनातनी हिंदू हैं सब दुखी हैं। वो महादुखी हैं जो उस स्थान पर पड़े हैं और जिनकी दैविक व्यवस्था होकर के वो सकुशल घर नहीं लौट पा रहे हैं। इसी विषय में हम दुख के साथ इस डिबेट में भाग लेना चाहता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि दोष तो तीनों का है। दैविक आपत्ति है, दैविक विपत्ति है, और भौतिक भी कमजोरी है और सामाजिक भी कमजोरी है। समाज की तरफ देखा जाए तो हम अब तीर्थयात्री नहीं रहे, अब हम पर्यटक होके जाते हैं, और पर्यटक वैसे जाते हैं जैसे किसी इंडिया गेट देखने जा रहे हैं या बंबई घूमने जा रहे हैं या कहीं केरला घूमने जा रहे हैं। अब हम तीर्थों में, देवालयों में वैसे घूमने जा रहे हैं जैसे हम एक पर्यटक बन के जा रहे हैं। हम अब ये कहना चाहेंगे कि पर्यटक और तीर्थयात्री में कितना फर्क है। भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देती है, लेकिन कोई उसकी आचार संहिता नहीं है और उस स्थान की पवित्रता के बारे में कोई संदर्भित नीति नहीं है सरकार की। पर्यटन को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन जब देवभूमि में जब मनुष्य पहुंचे तो वहां पर जो दैवी सूत्र है, जो दैवी बातें हैं, जो दैविक चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान केदारेश्वर के प्रति समर्पित होकर यात्री तीर्थयात्री बन के जानने की जो बात है, हम इन्हीं दोनों शब्दों में ढूंढेंगे कि हमारे अंदर दोष कहां से आया और हमें इतनी बड़ी विपत्ति। यानी कि हम देवभूमि में जा रहे हैं तो तीर्थयात्री बनकर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पर्यटक बनकर, और वहां की विशेष जो मर्यादा है, जो पवित्रता है या फिर जो दिव्यता है, उसका विशेष तौर पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, और समय के साथ साथ एक छोटा तिनका ने एक पहाड़ का रूप ले लिया, और ये पहाड़ अब तोड़ना मानव के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हम रुख करेंगे लखनऊ का। विजय जोशी जी हैं जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इनकी राय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी होता है, अगर आपदा होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं। हम धार्मिक पक्ष पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। विजय जोशी जी, क्या कारण है कि जो शिवलिंग है वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहा, नंदी बाबा भी वहीं पर रहे? धारी देवी के बारे में भी ये डिबेट होती रहती है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने स्थानांतरित कर दिया, किसी मंत्रोच्चारण या विशेष नीतियों का पालन नहीं किया जिसके कारण हम दैवीय आपदा का शिकार हो गए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बतौर वैज्ञानिक आपकी क्या राय? देखिए, केदारनाथ मंदिर का जहां तक सवाल है, तो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद भी बताया कि वो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। उसके अलावा केदारनाथ घाटी में अगर आप जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि अनेक बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, और मंदाकिनी की दो धाराओं के बीच में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निर्माण को देख के सच में मन में ये ख्याल आता है कि क्या इसका निर्माण स्वयं शिव ने किया है, क्योंकि पिछले 1000 साल में इस क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े भूकंप आए हैं,
और अनेक भूस्खलन भी हुए हैं। आज जो आपदा आई है ये पहली बार नहीं हुई है। ये जरूर है कि पिछले 100-200 सालों में इस तरह की बारिश और इस तरह का बाढ़ नहीं आई, लेकिन पहले बहुत आई है जिसके कि निशान केदारनाथ घाटी में साफ देखे जा सकते हैं। तो मंदिर एक ऐसे स्थान पर बना है जो कि निरापद है, जहां पर कि कोई नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन बाकी चीजों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसा अभी द्विवेदी जी ने कहा कि हम अब तीर्थयात्री नहीं बल्कि पर्यटक बन के जाते हैं, तो एक तरह का मॉल कल्चर आ गया है कि ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा कमाई होगी। तो ज्यादा लोगों की भीड़ हुई और दैवी आपदा आई, तो जाहिर है कि उसके परिणाम गंभीर हुए। जो लोग मंदिर के अंदर गए वो भाग्यशाली थे, क्योंकि मंदिर जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अजूबा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में भी कुछ ऐसे मकान हैं जो कि कोठी बनाल आर्किटेक्चर के नाम से अब जाने जाते हैं। कोठी बनाल एक गांव है, वहां 1000 साल में कितने भूकंप आए हैं लेकिन उन मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? तो ये तो एक स्थापत्य कला का नमूना है, और इसको अगर आप आस्था की बात कहें तो शायद शिवजी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली जहां अशोक द्विवेदी जी बता रहे हैं कि हमने जो सनातन परंपरा के जो नियम थे उसके साथ खिलवाड़ किया। हम वहां पर तीर्थयात्री की तरह गए नहीं, हमने देवभूमि के महत्व को समझा नहीं, जिसके कारण केदारनाथ जो भगवान शिव का एक क्षेत्र है वो विशेष तौर पर इस कंपन का शिकार हुआ। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं वहां पर हमने पर्यावरण हितों का ध्यान नहीं रखा, वहां पर समय के साथ साथ अतिक्रमण बढ़ता गया, हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई, घर्षण हुआ, गर्मी पैदा हो गई और ग्लेशियर फट गया। आस्था का विषय है, इस पर बात करेंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, वाराणसी चलेंगे, शिवनगरी है, कामेश्वर उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। शिव का एक खौफनाक रूप क्यों देखने को मिला? क्या ये शिव का रूप है? क्या फिर भगवान शिव ने एक प्रचंड रूप धारण किया? क्या लोगों की जान गई या उससे ज्यादा 1000 लोगों की जान बची? इसके बारे में चर्चा एक छोटे संतराल के बाद लौट रहे हैं। जटाटवी कलचल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिका डमट्टमन्निनाथ वट्ट मर्मये चकार चंड चांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कलचल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथ वट्ट मर्मये चकार चंड चांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं जो आशुतोष के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षरी मंत्र दशाक्षरी मंत्र की बात की जाती है और भगवान का अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि भगवान का अभिषेक एक लोटे जल से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक लोटे जल से के समान करोड़ों जल बहा है और ये जल लोगों की जान ले चुका है। हम केदारनाथ के खौफनाक मंजर की बात कर रहे हैं जहां पर ग्लेशियर पिघल कैसे गया, 1882 के बाद ऐसे भयावह हालात उत्पन्न कैसे हुए, कैसे ज्योतिर्लिंग बच गया और बाकी भक्त काल के ग्रास के शिकार हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे वैदिक आधार है? हम चीजों को क्यों नहीं समझ रहे और कहां पर कमी है? हम देवभूमि की मर्यादा का पालन कर रहे हैं या नहीं? क्यों एकदम से देवभूमि में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है? हम सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे साथ कामेश्वर उपाध्याय जी हैं, शिवनगरी से हैं, भगवान शिव को बेहतर समझते हैं। कामेश्वर उपाध्याय जी, क्या ये कौतूहल का विषय नहीं है कि बाकी जो मंदिर प्रांगण के बाहर जितने लोग थे वो इस काल के ग्रास में और ये जो भीषण तबाही हुई है उसमें समा गए, उसका शिकार हो गए? मंदिर के अंदर की स्थिति वैसे ही दिव्य रही, वैसा ही ज्योतिर्लिंग रहा जैसे पहले था, क्या कारण है?
इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है सर्वाश्चर्यमयो हरि, जो प्रभु हैं शिव हैं आश्चर्य के भी आश्चर्य हैं। आश्चर्य जब देखता है शिव को तो वो भी आश्चर्यचकित होकर के रह जाता है। अब अनंत ब्रह्मांड में शिव की प्रति आकृति दिखाई पड़ती है। ये हिमालय स्वयं उनकी जटाओं में समाया हुआ है और मैं अपने दोनों विद्वान मित्रों से सहमत हूं और उन दोनों लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने बात जहां तक रखी है उसके आगे थोड़ी सी बात को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं। 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक उत्तराखंड के ऊपर ग्रह योग बहुत खराब चल रहा है। मिथुन राशि में सूर्य बुध शुक्र बृहस्पति चार ग्रह बैठे हुए हैं जो अति जलप्लावन कर रहे हैं। अति जलप्लावन के कारण उत्तराखंड की स्थिति और हिमालय की स्थिति लगातार 14 जुलाई तक बिगड़ी रहेगी। इसके बाद अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ग्रहयोग के हिसाब से है। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2013 के बीच में कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में इस वर्ष बारिश न हो, वृष्टि न हो। केदार का मतलब होता है कम माने जलम और कु माने पृथ्वी। जहां जल और पृथ्वी, सोम तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर के शिव में समाहित हो जाएं, उस क्षेत्र का नाम केदारेश्वर क्षेत्र कहलाता है। और पृथ्वी पर पवित्रतम दो क्षेत्र हैं, बद्रिकाश्रम क्षेत्र और केदारेश्वर क्षेत्र, जहां तपस्वी योगी जन जाकर के अपना स्वयं कपाल क्रिया करते हों कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा औरधोदेहिक संस्कार न भी किया जाए तो मैं स्वयं उसको करके मुक्त हो जाऊं। जहां नर नारायण ऋषि ने तप किया था वह क्षेत्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है और जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के समाधि में निमग्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कामेश्वर जी, लेकिन यहाँ पर तो भगवान शिव ने अपनी शक्ति दिखा दी। आप जल तत्व, पृथ्वी तत्व का भगवान शिव तत्व के साथ समावेश की बात कर रहे हैं। इन तीनों तत्व को का एकदम से डिसबैलेंस, जैसे ज्योतिष राय तो आपने दी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि भगवान शिव के अपने भक्तों से रूठ गए हैं? हजार भक्त जो वहां पर मरे उनसे रूठे हैं जो घायल हुए, या फिर करोड़ों भक्तों को बचा रहे थे, या फिर किसी तरीके का कोई संकेत दे रहे थे? एक स्पष्ट बात है कि लोगों के द्वारा वहां गलतियां की जा रही। उसी विषय पर मैं आ रहा था कि पवित्र क्षेत्र में अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाता है वो वज्रलेप हो जाता है, किसी भी डायनामाइट से उसको उड़ाया नहीं जा सकता है। पूरे उत्तराखंड में नदियों की जिस तरह से हत्या की जा रही है, गंगा को गंगोत्री में घेर करके जिस तरह से कत्ल किया गया है, यमुना को यमुनोत्री में घेर करके जिस तरह से कत्ल किया गया है, जो बार बार बिजली की बात उठाई जाती है, फिर 2005 में भारत सरकार ने समझौता क्यों किया अमेरिका से? क्या जरूरत थी उस समझौते की? कनाडा से बिजली लेकर के अमेरिका अपना काम चलाता है, भारतवर्ष बिजली का उत्पादन क्यों नहीं करता है? एक गंगा अगर नहीं भारत सरकार बना सकती है, एक हिमालय का निर्माण अगर भारत सरकार नहीं कर सकती है, तो इस सरकार को कतई यह अधिकार नहीं है डेवलपमेंट के आधार पर कि वह गंगा और हिमालय की हत्या करे। जिस दिन हिमालय नहीं बचेगा, इस देश में 6 ऋतुएं नहीं बचेंगी, इस देश में केवल 2 ऋतुएं रह जाएंगी, गर्मी और जाड़ा। तो क्या हम यूरोप बनाना चाहते हैं भारतवर्ष को? वैश्विक शक्तियों को इस बात की ईर्ष्या है कि भारतवर्ष में 87% सुस्वादु जल का भंडारण है और इस भंडारण को किस तरह से रोक करके और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों के हाथ में बोतल में और गिलास में पानी बेचा जाए, ये विदेशी कंपनियां इसका षड्यंत्र कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के नागरिक इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम लोग सारा षड्यंत्र समझ रहे हैं कि इस देश के विरुद्ध क्या षड्यंत्र चल रहा है। हिमालय को क्यों ढहा जा रहा है, क्यों बुलडोजर लगा करके हिमालय को नष्ट किया जा रहा है? अमेरिका अमेजन नदी को क्यों नहीं रोक रहा है? अपने देश की बहती हुई नदी की अविरलता को क्यों अमेरिका बनाया हुआ है? बोल्गा को क्यों बहने दिया जा रहा है? टेम्स को क्यों बहने दिया जा रहा है? दजला फरात को क्यों बहने दिया जा रहा है? और इसी तरह आपका जो कहना है कि देवभूमि में देव कार्य नहीं हो रहे हैं, हम देहरादून सीधे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर महावीर सिंह नेगी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका। बतौर प्रोफेसर आपकी क्या राय, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई, उसमें एक तरह से मानव दोष है, सामाजिक दोष है, लेकिन आज हम एक और दोष की बात कर रहे हैं जो भौतिक है, जो दैविक है। आप कितना
इस बात को डिफाइन प्रॉपर कर सकते हैं कि जो केदारनाथ में हुआ, जो ज्योतिर्लिंग बचा रहा और बाकी जो आसपास जो भक्त थे वो या तो घायल हो गए श्रद्धालु या फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंदर भगवान शिव का जो प्रतीक है, जो कह सकते हैं एक निराकार रूप है, वो वहां पर रहा। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर केदारनाथ में जिस तरह की तबाही, और केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र है या पूरा हिमालय क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पूरे विश्व में यदि इसको माना जाए तो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है, और इसकी संवेदनशीलता को हम निश्चित रूप से हमको ध्यान रखना होगा। आज केदारनाथ में हम देखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व जहां पर केदारनाथ मंदिर था उसके आसपास जिस तरह से आज आवासीय भवनों का निर्माण, विशाल जो होटल वहां पर बन गए हैं, जो धर्मशालाएं बन गई हैं, और जिस तरह का निर्माण कार्य और जिस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित की जा रही हैं, निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और महावीर जी, पर्यावरण का असर तो यहां पर देखने को मिल ही रहा है, जो बहुत ही उम्मीद से परे है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो मंदिर परिसर है, बाहर तक लाशें की लाशें यहां पर बिछी थी, शव की शव थे, अंदर क्यों कुछ नहीं हुआ? बतौर प्रोफेसर आप मानते हैं कि वहां पर कोई दिव्य शक्ति है, वो कोई एक केंद्र है, किसी साधना का महत्वपूर्ण स्थल है, जो शिवलिंग वहीं के वहीं रह गया? मैं इसको दूसरे रूप में लूंगा। वहां पर जो मंदिर बना हुआ है वहां पर, और आज भी देखते हैं कि इतनी बड़ी विभीषिका होने के बावजूद भी वहां पर मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो हमको ये समझना चाहिए कि उस समय का जो आर्किटेक्ट था, उस समय जो भवन निर्माण या जो मंदिर निर्माण की जो शैली थी, किस प्रकार से उसको एक तो स्थान चयन की दृष्टि से उसको इस स्थान पर चुना गया कि जहां पर कम उसको क्षति हो सकती थी, और दूसरा उसको निर्माण कार्य इतना उत्कृष्ट निर्माण कार्य है कि उस पर इतनी बड़ी विपदा आने पर भी उस पर बहुत आंशिक असर नहीं हुआ। यानी कि आप ये कारण बता रहे हैं इस रूप में, आपका सीधे तौर पर कहना है कि वहां का बेहतरीन आर्किटेक्चर, जो बनावट है, जो नीतियों का पालन उस समय किया गया, वो एक बहुत बड़ी प्रमुख वजह है कि वहां पर अभी भी शिव शक्ति है। एक छोटे संचाल के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। हम जाने की कोशिश करेंगे कि देवभूमि में जो देव कार्य हैं क्या वो हो रहे हैं, किस तरीके की सावधानी आप बरते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी आपकी क्या है, आप देवभूमि आ रहे हैं, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आप आ रहे हैं तीर्थ स्थल, तीर्थयात्री समय के साथ साथ, या फिर यूं कहें कलयुग, वो कलयुग जिसमें स्थान की पूजा होती है, उस स्थान की कहीं ना कहीं क्या मर्यादा खो रही है। हमारे साथ दो विद्वान मौजूद हैं, एक धार्मिक और इसके साथ साथ एक वैज्ञानिक, इन किराए ब्रेक के उस पर। जटाधरी कनक जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिकांत वट्ट मर्मये चकार चंद तांडवं तनो पुनः शिव शिवम्।
जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबिताम्बुजंग तुंगमालिकां मन्निनाथ वट्ट मर्वये चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। समय के साथ साथ खासतौर पर अगर हम कलयुग कहें, कलयुग आने के साथ साथ धामों की पवित्रता पर किस तरीके का असर देखने को मिला है और यह असर ने व्यापक और उग्र रूप क्यों ले लिया है, इसके पीछे क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है और अपनी जिम्मेदारी को समझकर हम क्या कायाकल्प कर सकते हैं। याद करिए वो केदारनाथ जहां पर भक्त बम बम बोले के साथ जाता था और कहता था कि कष्टों से मुक्ति मिलेगी ऐसे धाम में जाने के बाद। वो भक्त इस बार प्रसाद लेकर नहीं आया, वो भक्त आंसू और कड़वी यादें लेकर आया। क्या संकेत दे रही है प्रकृति हमें, या फिर प्रकृति के रचयिता जो संहारक कहे जाते हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये हाई टाइम नहीं है? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? पंडित अशोक द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, आप बता रहे थे कि दैविक भौतिक और सामाजिक दोष है, इसको अच्छे से आप परिभाषित करिए और दर्शकों को आप ये समझाइए कि दैविक दोष क्या था, सामाजिक दोष हमारी तरफ से क्या है और भौतिक दोष ऐसा क्या है जो हो चुका है। देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ये डिबेट हम दुख के साथ शुरू कर रहे हैं। हमने पर्यटक और तीर्थयात्री का जो एक बॉर्डर लाइन खींचा है उसको तो सरकार समझ सकती है और समझेगी। मेरा ये कहना है कि जब से 12 ज्योतिर्लिंगों में और जब से यदा कदा करीब 20-25 वर्षों से धीरे धीरे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण करने के पास विद्वान आईएएस अधिकारी नियुक्त हो गए। उस विद्वान ने पीसीएस को नियुक्त कर दिया, पीसीएस ने एजीएम नियुक्त कर दिया और धीरे धीरे जाकर के नायब तहसीलदार तक मंदिर को शोभा बढ़ाने लगे। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान पुरुष कामेश्वर जी काशी के हैं, उनका मैं बहुत ही प्रतिष्ठा इज्जत करता हूं, और हमारे महावीर सिंह जी भी हैं और हमारे जोशी जी हैं वैज्ञानिक। मैं कहना चाहूंगा कि अरचकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर, जिस शिला के हम पूजा करते हैं और जिनके द्वारा हमें पता चला है कि ये भगवान शिव हैं या रुद्र हैं या गौरी केदारेश्वर हैं, उनको जानने से पहले हमें उस मार्ग को पकड़ना पड़ेगा जिसका नाम है पद्धति। जब हम पद्धति छोड़ देते हैं तो मंजिल से भटक जाते हैं जी। जैसा कि कामेश्वरी समझ सकते हैं कि ये कर्मकांड का विषय है, ये किसी विश्वविद्यालय का वो नहीं है विषय, ये कर्मकांड का विषय है। कर्मकांड में ये होता है कि तद देवस्य कला हानि ही, जब हमारा जो दैवी शक्ति है जहां शिव तत्व है उसके चारों तरफ, उस शिवलिंग के चारों तरफ एक दैवी शक्ति होती है जिसे कर्मकांड की परिभाषा में कला कहते हैं। और कला जो है, जैसे कि भगवान केदारेश्वर हैं तो वो पंच वक्त्र होंगे वेदों के हिसाब से, तो अंतिम जो वक्त्र है मुख है वो ऊर्ध्वमुख है, वो अघोर मुख है। पश्चिम वक्त्र है, पूर्व वक्त्र है, दक्षिण पश्चिम है। सोचिए कि सदियों जात ऋषि ने भगवान के पूर्व वक्त्र की पूजा की और पृथ्वी तत्व है जी। और हंस वाहन है और उनकी कला है रिद्धि सिद्धि धृति लक्ष्मी मेधा कांति सुधा प्रभा, ये 8 कला है। जब उसके अंदर फुल पैंट पहन करके, जींस पहन करके और घुस करके हम आलिंगन करके पकड़ लेंगे और रोएंगे कि हमारे ये हमें पुत्र हो जाए, पौत्र हो जाए, हमें यहां से बचे वहां से बचे, अपनी भौतिक, कह रहे थे 3 तरीके के भक्त आते हैं। हाँ, 3 तरीके के भक्त आते हैं। एक भक्त है जो ईश्वर के प्रति जिज्ञासु हैं, वह वेदांत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं कि ईश्वर के तत्व के प्रति हम समर्पित होकर के हमको ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान हो, वो जिज्ञासु हो गए। दूसरे हैं अर्थार्थी, जिनको सब कुछ चाहिए, उनका बस चले तो पूरा भारत को खरीद ले उसमें ऑक्शन में, इतना बड़ा उनको विशाल धन चाहिए, विशाल धरती चाहिए, विशाल चाहिए, वो अर्थार्थी हैं। तीसरे हैं जो दुखी पहुंचते हैं, जिन्हें शरीर का दुख है, मन का दुख है, परिवार का दुख है, समाज का दुख है, दुख के निवृत्ति के लिए वो अंधविश्वास होकर पहुंच जाते हैं, उनकी गलती नहीं है। लेकिन ये तीनों जो भक्त होते हैं उसमें सबसे बढ़िया जिज्ञासु, और दो भक्त तो यानी कि
यानी कि इसका फैसला हमें ही करना है कि हम अपने आचरण के रूप में किस तरीके से वहां पर जा रहे हैं, हम भगवान को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से वहां दंडवत हो रहे हैं और किस तरीके से भगवान के आसपास क्षेत्र की भी इज्जत कर रहे हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर भी और मंदिर प्रांगण के बाहर भी। हम लखनऊ चलते, समय की कमी है चूंकि विजय जोशी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, अब केदारनाथ की बात करें, सरकार कह रही है एक साल से ज्यादा का समय लग सकता है केदारनाथ को पुनः स्थापित होने में, और केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें पहले आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रयास होंगे। आपको क्या लग रहा है, केदारनाथ का वापस गौरव महिमा वापस आ पाएगी, और अगर आए तो किन चीजों का मानव ध्यान रखे, किन चीजों की विशेष तौर पर अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण पर बात करें तो हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है, मंदिर का जब पुनर्निर्माण होगा उसका आर्किटेक्चर वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा जैसे ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, और उस कार्य में तो इंजीनियर लोग, हमारे आर्किटेक्ट लोग सक्षम हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि केदार घाटी में कितने लोग रह सकते हैं, मतलब लैंड की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि केदार घाटी जो बनी है वो मंदाकिनी के दो भाग हैं जिनके बीच में ये सब आबादी बसी हुई है, वहां पर कितनी मैक्सिमम आबादी बस सकती है इसका निश्चय वैज्ञानिकों को करना पड़ेगा। जब वो लैंड बेयरिंग कैपेसिटी मालूम हो जाएगी उसके बाद उतने ही भवन निर्माण वहां होने चाहिए, उससे अधिक एक भवन का एक ईंट तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा निर्माण हो गया, जरूरत से ज्यादा लोग एट ए टाइम वहां पर आ गए और दोबारा कभी ऐसी आपदा आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने आपके कहना चाहता हूं, हमने आप, हाँ जी बताइए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आगे भविष्य में लोगों के आने जाने पर नियंत्रण रखा जाना बहुत जरूरी है, नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल, आगे की तस्वीर और खतरनाक ना हो, इसीलिए अब सरकार को और इसके साथ साथ जो आसपास जो निवासी हैं, जो समय के साथ साथ वहां पर अतिक्रमण हुआ है, जो एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ था, उस धाम के आसपास क्या हो रहा है, इन चीजों पर भी पैनी नजर बतौर एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हमें इसका निर्वहन करना चाहिए। हम वाराणसी चलते हैं कामेश्वर उपाध्याय जी के पास। कामेश्वर जी, आपको नहीं लग रहा कि केदारनाथ की बात करें, धारी देवी मंदिर, जो कुछ भी देव भूमि में हुआ है, आपको लग रहा है कि देवी शक्ति वहां से समय के साथ दूर हो गई, जो केदारनाथ में हुआ, आपको क्या लग रहा है, शिव ने अपनी शक्ति दूर की है या फिर शक्ति अपनी दिखा दी है, कोई संकेत दिया है? देखिए, उत्तराखंड से देवी शक्ति कभी दूर नहीं हो सकती, वो तमाम देवी विभूतियों की जन्मभूमि है, आधार भूमि है, कर्म भूमि है। वस्तुतः वहां पर दो प्रकार के अपराध हो रहे हैं, एक राज्य शासन द्वारा अपराध हो रहा है और दूसरा अपराध जो हो रहा है वो प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध तो सामान्य मानव करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, केदारनाथ और बद्रिकाश्रम धाम हनीमून मनाने के लिए नहीं है, गुटखा खाने के लिए नहीं है, पाउच फेंकने के लिए नहीं है। कामेश्वर जी, आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मर गए, कुछ घायल हो गए, आपको लग रहा है कि जब मंदिर का जीर्णोद्धार होगा उसकी पवित्रता बरकरार रहेगी, बाद में भी चाहे कितना भी मंत्रोच्चारण किया जाए, कितनी पूजा पाठ, इस तरह की मृत्यु के संदर्भ में धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां पर सामूहिक अंत्येष्टि होती है और जिन लोगों के लोग गायब हो जाएं उनका पुतल दहन करके वो अंत्येष्टि कर्म आदि 13 दिन कर सकते हैं, और वो होना चाहिए क्योंकि वहां पर हिंदू तीर्थयात्री गए हैं, दूसरे लोग नहीं गए हैं, तो हिंदू अंत्येष्टि का जो विधान है उस विधान को अपनाना चाहिए और सुनिश्चित है कि सब कुछ अपना अंतिम सुझाव दे दीजिए बतौर वैज्ञानिक, वापस केदारनाथ की महिमा, उत्तराखंड देवभूमि की महिमा आपको लग रहा है आएगी, कितना हमारी भूमिका उस होगी, कितना सरकार की होगी? मेरा तो ये मानना है कि इसमें सबसे पहले तो हमको जो वहां पर श्रद्धालु हैं उनकी संख्या नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हम वहां पर आज 15,000 यात्री एक दिन में वहां पर जा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि वहां के पर्यावरण पर कितना प्रतिकूल उसका प्रभाव पड़ रहा है। सनातन परंपरा पर्यावरण के नियमों का विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना होगा। अगर हमें चार धाम यात्रा दोबारा जाना है, अगर हमें प्रसाद लेकर आना है, अगर हमें एक दिव्य अनुभूति वापस लेकर आनी है, अगर हमें खूबसूरती की जो तस्वीर है यादों के रूप में लेकर आनी है, ना कि
एक बहुत ही दुखद सफर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट एट एट में हमने जानने की कोशिश की और हमें पता लगा कि भगवान के बनाए प्राकृतिक स्वरूप के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है, हमें उसे हिलाना नहीं है, समय आ गया है उसे बचाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव शाश्वत हैं, उनकी शक्ति है और इसी की भक्ति यहां पर देखने को मिले। हम सभी एक कामना के साथ कि उत्तराखंड वापस एक देवभूमि के रूप में विकसित होगा, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को हम समझेंगे और उसका निर्वाण करेंगे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, नमस्कार। जटाटवी कलच्चल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमट्टमन्निनाथ वट्टमर्वये चकार चण्ड चाण्डवं तनो पुनः शिवः शिवम्। भगवान केदारनाथ का मंदिर कितना पुराना है इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि करीब 1000 साल से तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस धाम की महिमा क्या है, आपको इस धाम ही ले चलते हैं, आप खुद जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड ही कुदरत का कहर झेल रहा है, शिव के लिए पूरी धरती एक समान है। जहां भी प्रकृति को छेड़ने की कोशिश हुई इंसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जापान अमेरिका में कुदरत प्रलय की झलकियां देखने को मिल चुकी है। छह महीने लगन लगाता है, खेती लगातार घाटी होती चली जा रही है,